हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PHP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जिप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जिप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सकें। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.php फाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर के जिप फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब अनजिप करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा नीचे की तरफ आपका। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं पिक्सल लैब में मराया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद आपको लिखा हुआ मिल जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पोस्टर 10 PLP। तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर रहा है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद गाइस, देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर जन्माष्टमी का कुछ इस तरह से ऐड हो चुका है। तो इस पर से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो बड़ा सा। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पर एक दूसरा फोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस फोटो पर टाइप करके इसको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन पे आना है, इनपुट पर क्लिक करना। और जैसे इनपुट पर क्लिक करोगे, तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपना एक फ़ोटो चूज कर लेना है कोई सा भी। तो मैं एक फ़ोटो को PNG बनाया हूँ, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और गाइस, आप लोगों को PNG फोटो नहीं बनाना आता है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर PNG फोटो बना सकते हो। तो मैं ये वाला फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक सही का निशान मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद गाइस, आपको इस फोटो को आप जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हो, यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा वाइट कलर का, तो उसके हिसाब से आप इसको इस फोटो को छोटा बड़ा रख सकते हो। और यहाँ पर लाने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर डबल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। और जैसे ही क्लिक करोगे, तो इस फोटो को थोड़ा सा पकड़ के रखना है, और रखने के बाद यहाँ पर लाकर इन दोनों के बीच में रख देना है। तो देख सकते हो गाइस कि हमारा फ़ोटो एडजस्ट हो चुका है। और होने के बाद गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने नाम भी लिख रखा है। तो इस नाम वाला ऑप्शन पर डबल टाइप करके यहाँ से आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।